माय चैनल अनकट लाइफ विद पलक। आज कड़वा चौथ है, आप सभी को कड़वा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ कड़वा चौथ के लिए। 16 सिंगार जहाँ तक संभव है मैंने किया है। और आपको सबको पता ही है कड़वा चौथ पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है व्रत, तो मैंने व्रत किया हुआ है आज। और मेरे हस्बैंड ने भी किया है मेरे लिए। मैंने अपने लास्ट ईयर के ब्लॉग में भी आपको दिखाया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कड़वा चौथ का व्रत करते हैं एंड हम बहुत ही एंजॉय करते हैं। और पूरा दिन ऐसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है कि हम भूखे हैं या कुछ भी, बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है क्योंकि मन में वो उत्साह रहता है व्रत के लिए। और शाम को चांद देख के ही व्रत तोड़ूंगी। और कड़वा माता का पूजा का शुभ मुहूर्त 5:30 बजे के बाद से है। उससे पहले हम लोग की सोसाइटी में हम सब लेडीज जो भी व्रत करती हैं सबने छोटा सा पूजा रखा है, तो अभी मैं वहीं पे जा रही हूँ। 4:30 बज चुका है शाम का, तो वहीं पे जाके हम लोग सब मिल के पूजा करेंगी कड़वा माता की और अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए अपना व्रत तोड़ेंगी शाम को। तो अभी मैं पूरी रेडी हो गई हूँ एंड मैं जा रही हूँ अपने सोसाइटी में एंड चलिए वहाँ पे देखते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ की गई।
तैयार हूँ आज करवा चौथ की पूजा के लिए। और मैंने कोशिश की है कि मैं 16 श्रृंगार कर सकूँ पूरा, क्योंकि करवा चौथ में 16 श्रृंगार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो जितना तक मुझे मेरे पास था, मुझे याद था, उतना मैंने कर लिया है। तो मैं पूरी तरह से रेडी हूँ और मैं करवा माता की पूजा करने के लिए बैठूंगी करवा चौथ के लिए। तो मैं सोसाइटी का पूजा करके घर आ गई हूँ और अभी मैं घर में पूजा करूँगी। मैंने आसनी पे बिठा दिया है शिव पार्वती को और समस्त परिवार के साथ और करवा माता को भी। तो सबसे पहले मैं गणेश जी की पूजा से शुरू करूँगी। तो अभी 6:30 बजे हैं, तो अभी तो चाँद निकलने में काफ़ी वक्त है। तब तक मैं घर में अच्छे से पूजा कर लेती हूँ करवा माता की। आरती करने के बाद फिर से हम लोग सारी लेडीज़ लोग प्लान किए हैं ग्राउंड में जाने का। हम सब मिल के चाँद का वेट करेंगे। उसके जब चाँद निकलेगा तो चाँद को देख के ही व्रत तोड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बिठाया है भगवान को और कैसे मैं पूजा शुरू करती हूँ। तो ये है शिव पार्वती एंड गणेश जी एंड कार्तिक जी। तो इसको बिठाया है मैंने इनको। उसके बाद ये है करवा माता। तो मैंने करवा माता को भी नई चुनरी चढ़ाई है। एंड सबसे पहले क्या है ना, आपको एक ले लेना है आसनी जिस पे आप बिठाना चाहते हैं भगवान को। आसनी के ऊपर एक लाल कपड़ा आप दीजिए जो कि सुहाग की निशानी है, उसके ऊपर मैंने भगवान को बिठाया है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है सुहाग का सामान। आप अपनी इच्छा के अनुसार सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिया है काजल दिया है और मैंने चूड़ियाँ चढ़ाई हैं। ये कुमकुम है, ये ऐनक है, नेल पॉलिश है, बिंदी है, अलता है, कंघी है। तो ये मैंने अपनी इच्छा अनुसार भगवान को चढ़ाया है। और इसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो है करवे का। तो मैंने करवा लिया है। करवा में आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी भर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसमें जल भरते हैं, बहुत सारे लोग इसमें मिठाई भरते हैं। मैं हमेशा से ही इसमें चावल भरती आई हूँ, बहुत सारे लोग धान भी भरते हैं। मैं इसमें चावल चढ़ाई हूँ। उसके ऊपर मैं जो करती हूँ, मैं आटे का दिया बनाती हूँ एंड आटे का दिया खुद अपने हाथों से बना के इसको चढ़ाती हूँ। तो ये दिया है जो मैंने खुद से बनाया है। और ये है दूसरा करवा है मेरा। तो इसमें मैं जल भरती हूँ, इसके ऊपर इसमें मैं जल भर के चढ़ती हूँ और इसके ऊपर मैं मिठाई चढ़ाई हूँ। यही देख के मैं व्रत तोड़ूँगी शाम को रात में जब मैं चाँद निकलेगा। ये मेरा छन्नी है जो व्रत तैयार है। और अपने इच्छा के अनुसार आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं माँ को। और मैंने कुछ फल चढ़ाई हैं और यहाँ पर जल है, जल का पात्र एक रखना है पास में। तो ये है मेरी करवा चौथ की चौकी और इसी अभी मैं पूजा शुरू करूँगी। मैं करवा चौथ का पाठ पढ़ूँगी सबसे पहले। सबसे पहले गणेश जी की वंदना करूँगी, फिर पार्वती माता की, समस्त शिव परिवार की वंदना करने के बाद करवा माता की वंदना करूँगी और उसके बाद मैं ये करवा चौथ व्रत कथा पढ़ूँगी पूरी। एंड उसके बाद आरती के साथ ये पूजा समाप्त होगी। और जो भी ये व्रत करती हैं सबको पता है कि ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो करवा माता की पूजा करते समय बस मन में अच्छे विचार रखने चाहिए सभी को एंड अपने अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए और उसी कामना के हेतु पूजा आरंभ करना चाहिए। तो अभी मैं पूजा आरंभ करने वाली हूँ। Thank you.
मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न मन होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़े कठिन कर्म का प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी सब विघ्नों के